जी वालेकुम सलाम। आप पेशेंट्स को ज़ाइलेटोल के बारे में बड़ा बताते हैं और कहते हैं कि यूज़ करें, इसके यूजेस क्या हैं, इसके यूजेस बताइए, इसके फायदे क्या हैं पेशेंट्स के लिए, कुछ फॉलोवर्स को भी गाइड करते हैं। हाँ जी, ज़ाइलेटोल जो है ना वो कोई आज की चीज नहीं है, हम लोग बहुत रिकमेंड करते हैं। ज़ाइलेटोल बेसिकली पाउडर फॉर्म में भी है, इसकी च्युइंगम्स भी होती हैं। और ज़ाइलेटोल को यूज करने का एक तरीका है वो आप गौर से सुन लें। सुबह उठ के सबसे पहले जो है ना आपने बगैर ब्रश किए ज़ाइलेटोल का जो पाउडर है उसको पानी में मिक्स करना है और आपने उस वाटर को ना दांतों में घुमाना है, गले में गरारे नहीं करने, ठीक है, ऐसे करके घुमाएं। और जो कैविटी वाला दांत है चाहे वो राइट है लेफ्ट है उधर, उसको 10 सेकंड के लिए रोकें, रिपीटेड फॉर 3 times, ठीक है जी। उसके बाद लिस्ट्रीन माउथवॉश यूज करें, कोई भी यूज कर सकते हैं, सिंपल लिस्ट्रीन को यूज कर सकते हैं और वो कैविटी वाले हिस्से पे वहां पे उसको रोक के रखें फिर 10 सेकंड के लिए और फिर स्पिट करें। फिर आपने टूथपेस्ट यूज करनी है, क्रेस्ट टूथपेस्ट के साथ दांत ब्रश करने हैं और फिर आपने पानी इस्तेमाल करना है। ये है आपका स्टार्ट ऑफ द डे। नेक्स्ट ये है कि जैसे आपने खाना खाना है और हर खाने के बाद आपने ज़ाइलेटोल की च्युइंगम्स कहीं भी बड़ी सुपर मार्केट से मिल जाती हैं, वो आपने एक च्युइंगम आपने उसको चुबाना है फॉर 15 minutes। जैसे आप उसको चुबाते हैं ज़ाइलेटोल रिलीज होता है स्लाइवा थूक के अंदर और वो मिनरलाइज कर देता है स्लाइवा को और वो स्लाइवा कोने कुतरों में चले जाता है जहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं, हमारे स्ट्रेप्टोकोकस की जो बैक्टीरियाज हैं, ब्रांच के बैक्टीरियाज हैं, विच वी कॉल देम दी स्ट्रेप म्यूटेंट्स, वी कॉल इट स्ट्रेप म्यूटेंट एग्जैक्टली। और वो जो स्ट्रेप म्यूटेंट्स हैं उनको वो शुगर नहीं मिलती, वो डिप्राइव हो जाते हैं शुगर की, वो जो शुगर ज़ाइलेटोल में होती है वो शुगर से वो उनके अंदर एक स्टेट होना शुरू हो जाती है, वी कॉल इट फ्यूटल साइकिल शुरू हो जाता है ज़ाइलेटोल की वजह से। वो जो फ्यूटल साइकिल है ना वो डिप्राइव करता है, बैक्टीरियाज मरना शुरू हो जाते हैं और वो ज्यादा स्टिकी नहीं रहते दांतों के साथ, इसलिए दाग कम लगते हैं और ब्रश से ही दांत साफ, वो दाग साफ होना शुरू हो जाते हैं। बड़े लोग कहते हैं सर मैंने स्केलिंग नहीं करानी, क्या मैं ब्रश से दांत साफ कर लूं, तो फिर ज़ाइलेटोल उनके लिए बहुत जरूरी है। ज़ाइलेटोल यूज करें 3-4 महीने, फिर ब्रशिंग के साथ ही आपके दाग स्टेन्स दूर होना शुरू हो जाएंगे और कैविटीज रिड्यूस, वो कैविटी की बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा टूटा हुआ दांत है और पूरे दांत के ऊपर कैविटी नहीं, छोटी कैविटीज जहाँ पे दांत जुड़ते हैं वो साइड वाली कैविटीज, ऊपर कुछ सुराख है जहाँ पे कभी कभी खाना फंस जाता है वो वाली कैविटीज आपकी रिकवर और रिवर्स हो सकती है ज़ाइलेटोल से। और इसके अलावा लोग बड़ा पूछते हैं सर कौन सी टूथपेस्ट कौन सा माउथ वॉश, तो बेसिकली क्रेस्ट टूथपेस्ट पाकिस्तान में इम्पोर्टेड क्रेस्ट जो आती है वो यूज करनी है, ठीक है, और सिंपल वाली क्रेस्ट यूज करें, उसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो बिल्कुल मैच करता है ज़ाइलेटोल के फंक्शन के साथ, उसके फंक्शन को बढ़ाती है। और लिस्ट्रीन का माउथ वॉश, कोई भी लिस्ट्रीन, सिंपल लिस्ट्रीन पेपरमेंट इज बेस्ट, ये यूज करें 6 months to 1 year, आई कैन गारंटी कि आपके स्टेन्स कम हो जाएंगे और आपके मुंह में दाग लगे कम हो जाएंगे और कैविटीज भी रिवर्स होंगी, तो टेक इट सीरियस। और ये मैं सारे अपने वो फॉलोअर्स जो मुझे लिखते रहते हैं सर उर्दू में बोले, आज मैं उर्दू में आपको समझा रहा हूँ और आपने मेरी बात समझ भी लेनी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग VHS Vlogs, इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।